नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट टॉक्स पर। तो दोस्तों, पे मध्य प्रदेश में 2021 में होने वाली भर्तियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लूँ दोस्तों, हम 90,000 से ज़्यादा पद यहाँ पे खाली हैं आपके। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, आरक्षक भर्ती, महिला बाल विकास, सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा अन्य बहुत सारी भर्तियां हैं जो काफी समय से पेंडिंग है और अभी तक दोस्तों हो नहीं पाई है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बेरोजगारी की। कतार में 35,90,000 पद खाली, ना भर्ती ना परीक्षा। ये दोस्तों आज ही का आर्टिकल, इसमें पूरी डिटेल के साथ बताया भी गया है। मैं आपको फिलहाल कुछ डिटेल बता रहा हूँ, उस पर जरा गौर सिर्फ देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ हालात हैं जिनके कितने रिक्त पद हैं और दोस्तों किस कारण ये लंबित हैं। यहाँ पे लिखा हुआ स्कूल शिक्षा विभाग यानी शिक्षक भर्ती में दोस्तों लगभग 30,000 पद खाली हैं, जिसमें दोस्तों परीक्षा ली है, काउंसलिंग नहीं की गई, यानी दोस्तों जो आपकी नियुक्ति है वो अभी तक नहीं दी गई है। वर्ग एक वर्ग दो में, वर्ग तीन की बात करें दोस्तों, 1.5 साल आपके लगभग फॉर्म का हो जाएगा और अभी तक इसकी किसी भी तरह की डेट नहीं बताई गई कब एग्जाम डेट जो है आपकी एग्जाम कंडक्ट होगा। इसका दोस्तों बात करेंगे पुलिस में, तो जिसमें आरक्षक के 9,000 से ज्यादा पद खाली हैं दोस्तों, जिसमें आपको आरक्षक का मामला आयु सीमा में अटका। दो दोस्तों जो काफी लोग थे जो आयु सीमा में बाहर हो चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भर्ती नहीं आई थी, जिसके कारण कुछ लोग थे जो बाहर हो चुके हैं। अब दोस्तों उन लोगों का कहना है कि हमें भी इसमें कंसिडर किया जाए, तो इसको चलकर दोस्तों काफी मामला लंबित है। तो इसमें आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करेंगे दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें ANM के 9,500 के आसपास दोस्तों पद खाली हैं, जिसमें भर्ती पर विचार किया जा रहा है। राजस्व विभाग की बात करेंगे, पटवारी या अन्य भर्ती, जिसमें 9,530 पद खाली हैं और दोस्तों इसमें कारण बताया है भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो भर्ती प्रक्रिया किसी भी तरीके इसमें नहीं चल रही है दोस्तों, इस पर भी सोच विचार किया जा रहा है। और दोस्तों ये पद जो दोस्तों हैं हमें पिछली साल बता दिए गए थे, जो पटवारी के पद थे लगभग 4,500-5,000 दोस्तों पद अभी भी खाली हैं, जो दोस्तों पिछली साल से चल रहे हैं, इसकी कवायद जो आने वाले हैं। बट दोस्तों फिलहाल एक साल तो अब दूसरी गवर्नमेंट को भी हो चुका है और आप जानते हैं कितने पद पर भर्ती हो चुकी है और कितने पे होना है। तो अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद, 2148-80 पद दोस्तों इस पे खाली हैं। तो दोस्तों इसमें बजट की कमी आपको शो कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों सरकार भी एक तरह से चाह नहीं रही है दोस्तों भर्ती कराना। इसके बाद महिला बाल विकास दोस्तों, जो लगभग काफ़ी 3-4 साल से भर्ती नहीं हुई है, जिसमें दोस्तों परियोजना समन्वयक की दोस्तों आपकी पद रहेंगी, जिसमें 1,000 दोस्तों पद हैं, इसमें आप दोस्तों एजेंसी का चयन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब आपके कारण दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ITITO और बहुत सारी भर्तियां हैं जिनकी अभी तक, अच्छा MPSI जो एक बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, इसके बारे में किसी भी तरीके किसी ने चर्चा अभी तक नहीं की है। तो दोस्तों इसमें अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 90% जो लगभग 1.5 करोड़ मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवा हैं, और दोस्तों 90% जो है उनमें से मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। दोस्तों ये बताइएगा आप में से कितने लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों एक मेरा क्वेश्चन है, अगर आप देख रहे हैं तो ये जरूर बताएं दोस्तों, जो आयु सीमा है वो 62 से कम होकर कितनी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आयु सीमा 62 करने की वजह से काफी ज्यादा पद दोस्तों जो रहेंगे वो आपके भरे रहेंगे 2 साल एक्स्ट्रा, यानी कि दोस्तों अगर उनको कम कर दिया जाता है तो आपके लिए कितने पद खाली हो सकते हैं और जो आपकी बेरोजगारों की भीड़ है उनके लिए रोजगार मिल सकता है। तो दोस्तों अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा जो दोस्तों भर्ती आने वाली हैं, मैं इनके बारे में आपको भी विस्तृत वीडियो बना के लाने वाला हूँ। अब दोस्तों इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अनअकैडमी की फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो बिना किसी सब्सक्रिप्शन के दोस्तों हमारा कोड यूज़ करने के बाद आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं, डिटेल लास्ट में है, तो वीडियो को जरूर देख के जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान क्या है और किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वीकली 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलने वाली है, जिसमें आपको डाउट क्लियर सेशंस भी मिलेंगे। इसके अलावा T20 फ्री लाइव क्विज हमारी होती है शाम को 8 बजे डेली, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको कराए जाते हैं। इसके अलावा फ्री क्विजेज भी आपके लिए, जो कि 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें जो कि आपके एग्जाम की प्रैक्टिस को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। किस तरह से आपको यूज़ करना है, अनअकैडमी आप डाउनलोड करना है, MBPSC व्यापम कैटेगरी सिलेक्ट करना है और रोहित अच्छी जी हमारा रेफरल कोड है, तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करेंगे आप, फ्री में इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बिना किसी चार्ज के इसको यूज़ कर सकते हैं।